स्मॉल ब्रेस्ट साइज के बारे में आपके मन में कई सारे सवाल होते हैं कि हमारा ब्रेस्ट साइज स्मॉल क्यों है, हमारा तो खाना पीना भी बहुत अच्छा है फिर भी हमारा ब्रेस्ट साइज स्मॉल है, ऐसा क्या करें कि हमारा ब्रेस्ट साइज इम्प्रूव हो जाए। कुछ फीमेल्स तो बहुत सारे टेस्ट भी करवाती हैं इसके लिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कुछ फीमेल्स का जो ब्रेस्ट साइज होता है वो एप्रोप्रिएट होता है पर कुछ का कम क्यों रह जाता है। इसके कुछ साइंटिफिक रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपका बॉडी में हार्मोन का कम सीक्रेट होना, ये जेनेटिक भी हो सकता है। हो सकता है यंग एज में आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर का जो कप साइज था वो स्मॉल था तो आपका कप साइज भी स्मॉल है। लैक ऑफ स्लीपिंग, हो सकता है आपकी नींद पूरी ना हो पा रही हो जिस वजह से आपकी बॉडी के अंदर आपके हार्मोन्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रॉपर तरीके से नहीं सीक्रेट हो पा रहे हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो नेचुरल तरीके से हमारा ब्रेस्ट साइज है वो इम्प्रूव हो जाए, राइट। तो हमारे कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ चीज़ों के ऊपर खास तौर पे इस पे गौर करेंगे। पहला, आप ये चेक कीजिए कि कहीं आप अंडर बॉडी वेट तो नहीं है। यदि आपका वेट कम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है और आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो आपको अपने लीवर का और गट्स का एग्जामिनेशन कराना चाहिए। ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपका ब्रेस्ट साइज स्मॉल रह जाता है। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड क्या रहता है, लैक ऑफ स्लीपिंग। हो सकता है कि आपकी नींद पूरी तरह से पूरी नहीं हो पा रही है, प्रेशर हो सकता है ऑफिस का काम का, किसी भी चीज़ का कोई भी प्रेशर हो सकता है और आप जानते होंगे नींद ना पूरी होने के कारणों की वजह से हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जब आप ठीक तरीके से सोएंगे नहीं तो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन ठीक तरीके से जनरेट नहीं होंगे, सिक्रेट नहीं होंगे, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थर्ड, आप ज़्यादा स्लिम फिट रहने के चक्कर में कहीं डाइटिंग तो नहीं करती हैं, कहीं ऐसा ना हो हेल्दी फैट्स आप ना ही खाती हो, जैसे कि घी, आपका आमंड है, आपका मैंगो है। बहुत सारी गर्ल्स होती है ना, फीमेल्स होती हैं, थोड़ा स्लिम फिट रहने के चक्कर में आप लोग खाते नहीं है, तो ऐसा ना हो कि आप इस चीज़ को देखते हुए आप अपने स्मॉल ब्रेस्ट साइज की वजह से आप कुछ फैटी एसेंशियल्स नहीं खा रही हैं जिस वजह से आपके ब्रेस्ट की जो फैटी लेयर होती है वो उस पर नहीं बन पा रही है, राइट। ये तो हो गए हमारे वो चीज़ें जो आप नेचुरल कर सकती हैं घर में, होम रेमेडीज टाइप हो गए, आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि एक इजी सॉल्यूशन, आजकल की हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, प्रेशर भी होता है काम का, नींद भी नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स भी लेते हैं, तो इसका एक इजी सॉल्यूशन भी मेरे पास है। जी हाँ, ये है रेजरवेदा का मैमो प्लस डे नाइट क्रीम। जी हाँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत ही सुंदर सी पैकिंग में आता है और ये कॉन्सेप्ट भी आज आपने पहली बार सुना होगा। इससे पहले क्रीम्स आते हैं, जेल्स आते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, हर्बल है, सेफ है और बहुत ही रिसर्च के बाद बनाया गया है। ये 100% क्लिनिकली प्रूवन है। मैं आपको बताना चाहूंगी, इसको आपको 2 टाइम यूज करना होता है, ये डे और नाइट क्रीम है। तो जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, डे क्रीम आपको सुबह नहाने के बाद सर्कुलर मोशन में अपनी ब्रेस्ट के ऊपर अप्लाई करनी है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपका इंग्रेडिएंट्स में आता है, इसमें आपका टी ट्री ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, एमो ऑयल है, कैरेटीन, कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट हैं जो आपकी ब्रेस्ट साइज को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करते हैं। ये वो एसेंशियल ऑयल्स हैं जो बहुत रेयर पाए जाते हैं। सुबह नहाने के बाद आपको डे क्रीम को अप्लाई करना है और होल डे के लिए आपको छोड़ देना है जब तक ये आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब ना हो जाए। नाइट क्रीम को आपको रात को सोते समय लगाना है, ठीक है। इसका जो आपका ट्रीटमेंट रहेगा वो पूरी तरह से नेचुरल है, क्लिनिकली प्रूवन है, तो साइड इफेक्ट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी अगर आप इससे रिलेटेड कोई ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर www.razorveda.in पर जाएं और इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी रिसर्च करें, इसके रिव्यूज को पढ़ें और आपको खुद पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट कितना ज्यादा इफेक्टिव है।